बिना किसी ज़रूरत के बार बार नर्सरी जाना वहाँ से ढेरों पौधे होने पर भी नए पौधे लेकर आना या फिर ऑनलाइन मंगवाना और फिर उन पौधों को ऐसे घर में छिपा देना दूसरे पौधों के पीछे और जताना कि शायद कुछ नया आया ही नहीं और सुबह उठकर बार बार उन्हीं पौधों को बार बार देखना निखारना और प्यार से सहलाना तो भाई यही है प्लांट एडिक्शन जो मुझे भी हुआ है तो दोस्तों आज है अगस्त की 21 तारीख और जैसे मैंने बताया कि प्लांट एडिक्शन सा हुआ है और आपके भी बार बार बहुत से कमेंट्स आते हैं कि इस बार तो आपने एडेनियम की लाइन ही लगा दी बहुत सारे एडेनियम जो है वो परचेज़ कर डाले क्या रीज़न है क्योंकि ये देखिए सच कहूँ तो प्लांट एडिक्शन है पता नहीं क्यों मुझे एडेनियम के पौधे बहुत पसंद आने लगे अचानक से ही मैंने इनकी जो शॉपिंग है वो लगातार स्टार्ट कर दी इनकी खूबसूरती मुझे कुछ ज़्यादा ही भाग गई तो इस बार इसी वजह से मैंने पहले शेड का जो है वो निर्माण किया मतलब ये लगवा दिया और उसके बाद अब कह लीजिए बहुत से नए नए पौधे जो हैं वो परचेज है वो परचेज़ किए तो पहले कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिएगा लगभग पिछले कुछ दिनों में लगभग सौ के आसपास नए पौधे परचेज़ किए उसके बाद कुछ सीड से ग्रो किए ये यह देखिएगा यहाँ पर छोटे छोटे से आपको जो बीज है वो दिखाई देंगे जो लगाए थे अभी इन सभी बीजों में नई नई जो ग्रोथ है वो निकल कर है पहले भी मैंने दिखाया था इस तरफ भी बहुत से जो सीड्स हैं वो लगाए थे और इन सभी सीड्स uh, में कह लीजिए रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है कुछ मुझे गिफ्ट में भी मिले पौधे वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे जिनकी अभी जो नई ग्रोथ है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ अच्छा पौधा देखता हूँ देखता हूँ कि हाँ ये बहुत सुंदर सा दिखाई दे रहा है तो फिर से उसकी तरफ भागने लगता हूँ दिल करता है कि इसे भी खरीद लाऊँ अपने पास लगा दूँ हालाँकि आने वाला मौसम जो है वो सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में कई बार क्या है कि इन पौधों की जो देखभाल है वो करनी थोड़ी सी मुश्किल रहती है ख़ासतौर पर जिन एरियाज़ में ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो यही सोचकर देखिए मैंने जो शर्ट बनवाया था उसी लिए बनवाया था फिर भी आपके कमेंट्स आते हैं कि विंटर में कैसे देखभाल करोगे तो भाई बहुत जल्द शेयर भी करूँगा विंटर में क्या है कि इस वाली साइड की जितने भी ये बाहर की साइड के कॉर्नर हैं सारे के सारे एक पॉली हाउस में इनको मैं कन्वर्ट कर दूँगा इस एरिया को पूरे कह लीजिए और इधर की तरफ पर जो ट्रांसपेरेंट शीट है वो लगा दूँगा जिससे धूप तो अंदर की तरफ आती रहेगी अच्छी रोशनी आती रहेगी लेकिन जो कह लीजिए कि ठंडक का असर है वो नहीं पड़ेगा कोहरे का असर नहीं पड़ेगा सर्दियों की बारिश का असर नहीं पड़ेगा तो ऐसे ही पॉलीहाउस का जो निर्माण है करना पड़ेगा इसी तरह से ही इन पौधों को जो है वो अच्छे से स्वस्थ रखा जाएगा सेव किया जाएगा तो भाई कुछ पौधों की और शॉपिंग की है इस बार फिर से ऑनलाइन की है हालांकि कहूँ कि सेलर सेलर देखते हैं क्या है कौन सा है वो भी कोशिश करूँगा आपको बताने की लेकिन जो मेन चीज़ है ये देखिएगा प्लांट्स इस बार जो परचेज किए हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं ये देखिएगा इनकी कोरल ब्रांचिंग है ऊपर की साइड में देखिए कितनी सारी ब्रांचेज हैं कंपेक्ट प्लांट्स हैं छोट छोटे छोटे पौधे हैं ये देखिए आपको मेरे हाथ से आइडिया होगा बहुत छोटे छोटे से पौधे हैं लेकिन पौधे आए मुझे रिसीव हुए लगभग चार पाँच दिन हो चुके हैं और मैंने इनको ओपन करके अनबॉक्सिंग करके कह लीजिए रख दिया था तो अभी भी पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं हार्ड प्लांट्स हैं मतलब टाइट पौधे हैं बिल्कुल कोई किसी तरह का इनमें प्रेशर नहीं है किसी तरह का कोई भी इश्यू नहीं है बिल्कुल हार्ड है प्लांट मतलब पूरी तरह से हेल्दी प्लांट्स हैं इधर ये दो पौधे जो है वो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मैंने इस तरह की जो वैरायटी है वो परचेज की है को बोलते हैं तो इसको तो खैर मैंने रिपोर्ट भी कर दिया कह सकता हूं कि महंगे पौधे हैं थोड़े से कॉस्टली प्लांट्स हैं ये देखिएगा यहां पर आपको इसकी जो आईडी है वो भी दिखाई देगी इस तरह से क्रॉस थाई बंगवैंग डी बोलते हैं डोरसेट होर्न अडेनियम डी बोला जाता है तो डी के पौधे क्या रहते हैं थोड़े से स्लो ग्रोइंग रहते हैं देखिएगा मैंने एक छोटा सा सोमलेंस का जो सीड है मेरा जर्मिनेट हुआ था इसकी साइड में यहाँ पर लगा दिया और इन पौधों को रिपोर्ट किए लगभग चार पाँच दिन हो चुके हैं अभी थोड़ा सा ये पौधे जो हैं वो थोड़ा सा स्ट्रेस के अंदर है काफ़ी दिन के बाद मुझे रिसीव हुए लंबा समय लग गया इनको रिसीव होने में और इसलिए थोड़ा सा ये थोड़ा सा कह सकता हूँ कि स्ट्रेस में थे लेकिन हाँ अच्छे में पौधे हैं इसलिए कॉस्टली भी थे तो ये एक डिफरेंट सेलर है जहाँ से मैंने ये दो पौधे परचेज किए ये एक डिफरेंट uh, सेलर है और कुछ दिन पहले मैंने एक सेलर आपके साथ और भी शेयर किया था जिससे आ, ये छोटे छुट छोटे से पौधे परचेज़ किए थे कह सकता हूँ लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं हुई इन पौधों से आपको मैंने हालांकि शेयर भी किया था इस सेलर का नाम तो बहुत छोटे पौधे थे मज़ा नहीं आया भाई पौधे परचेज़ करके बिल्कुल भी कह सकता हूँ कि सेटिसफाइड नहीं था इसके अलावा मैंने और भी बहुत से पौधे परचेज़ किए जो कि कम दाम में मिले और पौधों का देखिए साइज़ कितना बढ़िया मिला और मल्टीपल ब्रांचेज भी मिली तो ये ज़्यादा जेनुअन सेलर और ज़्यादा कह सकता हूँ कि अच्छे जो सही आपको बताऊँ मुझे ज़्यादा अच्छे जो प्लांट्स हैं इस तरह के पौधे रिसीव हुए बजाय कि ये जो पौधे थे ये काफ़ी छोटे पौधे थे बहुत ज़्यादा स्मॉल प्लांट्स कह सकता हूँ बहुत छोटे पौधे सीडलिंग टाइप के ही पौधे थे और प्राइजेज़ लगभग बताऊँ आपको कि आ, इस वाले पौधे का प्राइस ये देखिएगा चोको के इस वाले पौधे का जो प्राइज़ है वो इससे भी कम था तो ये कॉस्टली है प्लांट और ये कम दाम में अगर आप साइज़ देखिएगा तो साइज़ ये वाला बहुत बड़ा साइज़ है ये बहुत छोटा साइज है बहुत छोटे साइज के पौधे जो हैं वो मिले तो इस वजह से सेटिस्फाइड नहीं था मज़ा नहीं आया कह सकता हूँ पौधे परचेज करके क्योंकि क्या होता है कि हम जब पिक देखते हैं तो पिक में थोड़ा सा इतना कई बार पता नहीं चलता कि पौधे का साइज़ क्या रहेगा लेकिन रिसीव होने पर जो प्लांट्स है उसका एक्चुअल साइज़ पता चलता है और इन्हीं के अगेंस्ट अगर इन पौधों की बात करूं तो ये देखिएगा ये इनसे भी बहुत बढ़िया हालांकि थोड़ा बहुत रेट का डिफरेंस है लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि मैं कहूं कि हाँ वो बहुत सस्ते और ये बहुत महंगे तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है एक नॉमिनल सा डिफरेंस है और लेकिन पौधे की साइज़ की बात करूँ तो बहुत मेच्योर पौधा आपको पता चलेगा और ब्रांचिज़ देखिए कितनी हेल्दी है कितनी सारी और जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर भी देखिएगा कितनी सुंदर जो ब्रांचिंग है वो है बहुत बढ़िया सी ब्रांचेज़ है इधर अगर बात करूं तो ये डी के जो प्लांट्स हैं इनका थोड़ा सा जो प्राइस है वो कॉस्टली रहता है ये जो पौधे हैं मुझे कॉस्टली ही मिले एक्चुअली ये वैरायटी जैसे मैंने बताया स्लो ग्रोइंग रहती है इनकी सीड्स जर्मिनेशन दूसरी बात है बहुत कम परसेंटेज रहती है इनकी सीड्स की जर्मिनेशन की तो मन था बस एक डिफरेंट वराइटी को ग्रो करके देखने का हालांकि ये सेंसटिव भी ज़्यादा रहते हैं इस वजह से ये कॉस्टली भी रहते हैं ये टू ईयर्स प्लस की एज के पौधे हैं नॉर्मली अगर बात करूँ तो दो साल में अरेबिकम का पौधा इतना मच्योर हो जाता है और इनकी देखिए आप बहुत छोटे छोटे से ये पौधे हैं तो इस वजह से इन

तो इस तरह से है और दूसरी बात रही कि अगर बहुत से कमेंट्स आते इतने पौधों को करेंगे क्या आप क्यों इतने पौधे जो हैं वो धीरे धीरे परचेज़ कर रहे हैं ग्रो कर रहे हैं क्या रीज़न है तो बहुत मेरा मन है कि आपके साथ जल्द एक रीसेलिंग की जो स्टार्टिंग uh, है वो करूँ अपने एडेरियम की रीसेलिंग स्टार्ट करूँ थोड़ा सा प्लांट्स को मेच्योर करूँ सीड से ग्रो करूँ और फिर रीसेलिंग करूँ तो बहुत जल्द शायद आपको वो भी मेरे चैनल पर देखने को मिले आप मेरे से ही अच्छे जो स्वस्थ पौधे हैं सही दाम में वो परचेज़ कर पाएंगे थोड़ा सा मुझे इंतज़ार है uh, कह लीजिए कुछ अलग जहाँ पर मैं सेटअप एक कर सकूँ उस जगह का तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही जल्दी ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नई वीडियो के साथ और जाने से पहले ये देखिएगा ये मेरे अलामंडा में जो फ्लावर्स हैं वो बहुत अच्छे से खिलने लगे हैं तो जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय हैप्पी गार्डनिंग टेक केयर